नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। बिहार झारखंड सीमा क्षेत्र अवस्थित बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अति सुदूरवर्ती क्षेत्र बदवारा में 9 दिवसीय तो लुप्पी में 7 दिवसीय महायज्ञ का अनुष्ठान का शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ प्रारंभ। बेंगाबाद प्रखंड के बदवारा पंचायत अंतर्गत सहियारी गाँव में श्री श्री 1008 रामचरित नवाह महायज्ञ का शनिवार को कलश यात्रा मंदिर परिसर में 251 कन्या एवं महिला ने भाग लिया। वहीं बेंगाबाद के लुप्पी गांव में कलश यात्रा में सभी संबंधित भक्त भगवान वस्त्र एवं जय श्री राम के नारे और भगवान का भव्य जुलूस से प्रारंभ किया गया। ज्योतिर्वाहिनी नदी मुर्गमी में आचार्य पंडित श्री कृष्णानंद शास्त्री वैदिक मंत्र का उच्चारण करके विधिवत पूजा की गई। कलश यात्रा में गांडेय विधानसभा के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, बेंगाबाद प्रमुख रामप्रसाद यादव, बदवारा मुखिया विभा देवी, मुखिया प्रतिनिधि दिनेश सिंह, पंचायत समिति प्रतिनिधि रघुनंदन कुशवाहा, अशोक पंडित जी, मुख्य पुजारी पोखर महतो समेत कई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विधि व्यवस्था को लेकर यज्ञ समिति पूरी तरह से तैयार थी। आचार्य कृष्णानंद शास्त्री ने कहा कि वैदिक मंत्र उच्चारण कर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यज्ञ का मतलब ही होता है अंधकार की ओर से ज्ञान की ओर प्रकाशित किया जाए, इन्हीं को हम यज्ञ कह सकते हैं। वहीं बेंगाबाद प्रमुख रामप्रसाद यादव ने कहा कि इस तरह के यज्ञ आयोजन होने से पूरे लोग हमारी हिंदू सभ्यता के माध्यम से समझने की प्रयास करनी है और उन्हें अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे और अपने जीवन उनके अनुकूल बदलने का प्रयास करेंगे। मौके पर यज्ञ समिति अध्यक्ष टुपलाल प्रसाद वर्मा, सचिन रमन वर्मा, कोषाध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद वर्मा, शिक्षक चुनचुन यादव, विनोद वर्मा, भैरव कुमार साहू, परमेश्वर प्रसाद वर्मा, जराधन प्रसाद वर्मा काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। हरि वर्मा, प्रीतम वर्मा, विजय वर्मा, कंचन कुमारी काफ़ी संख्या में ग्रामीण वहाँ पर उपस्थित थे। हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। आइए आपको ले चलते हैं बेंगाबाद के बदवारा और लुप्पी गांव, जहां ग्रामीण श्रद्धालुओं में अध्यात्म भक्ति सरोवर में डुबकी लग रहे हैं और क्या कह रहे हैं पहुँचे अतिथि और यज्ञाचार्य। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बिहार झारखंड सीमा क्षेत्र अवस्थित बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अति सुदूरवर्ती क्षेत्र लुप्पी बदवारा में 9 दिवसीय तो लुप्पी में 7 दिवसीय महायज्ञ का अनुष्ठान कलश यात्रा से हुआ प्रारंभ। बताया जाता है बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के बदवारा पंचायत व लुप्पी पंचायत अध्यात्म और भक्ति के सरोवर में डूबा हुआ है। इस दौरान काफी तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद दिखे। बताया जाता है बेंगाबाद प्रखंड के बदवारा पंचायत अंतर्गत सहियारी गांव में श्री श्री 1008 रामचरित नवा महायज्ञ का शनिवार को कलश यात्रा मंदिर परिसर से 251 कन्या एवं महिलाओं ने भाग लिया। वहीं बेंगाबाद के लुप्पी गांव में कलश यात्रा में भी सभी संबंधित भक्त भगवा अंग वस्त्र एवं जय श्री राम के नारे और भगवान का भव्य जुलूस के साथ प्रारंभ किया गया। जो उत्तरवाहिनी नदी मुर्गमी में आचार्य पंडित श्री कृष्ण नंद शास्त्री के वैदिक मंत्रों का उच्चारण विधिवत करने के बाद में कलश यात्रा उठाया गया। कलश यात्रा में गांडे विधानसभा के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, बदवारा पंचायत के मुखिया विभा देवी, मुखिया प्रतिनिधि दिनेश सिंह, पंचायत समिति प्रतिनिधि रघुनंदन कुशवाहा, अशोक पंडित, मुख्य पुजारी पोखर मोहतों समेत कई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं विधि व्यवस्था को लेकर यज्ञ समिति पूरी तरह तैयार दिखे। आचार्य कृष्णानंद शास्त्री ने कहा वैदिक मंत्र उच्चारण कर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यज्ञ का मतलब ही होता है अंधकार की ओर से ज्ञान की ओर प्रकाशित करना, कहा इन्हीं को हम यज्ञ कह सकते हैं। वहीं बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव ने कहा कि इस तरह के यज्ञ आयोजन होने से पूरे लोग हमारी हिंदू सभ्यता के माध्यम से एक नया सम्मत सात्विक गुण समझने का प्रयास करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की जरूरत है। इस मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष टुपलाल प्रसाद वर्मा समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। प्रारंभ हुई है उसमें से हमारे पंचायत के भी विभिन्न जगह से लोग आकर के और जंग में शामिल हुए हैं और जल यात्रा में भाग लिए हैं और हमारे यहाँ
उसके हाथ में सभी का फल दे दीजिए, अक्षत दे दीजिए। अच्छा बाबू, लोग आए हुए हैं, खर्चा नहीं कीजिएगा, बेलपत्ता खूब खर्चा नहीं कीजिएगा, गाय जी दिन भर फूले बेलपत्ता पर काम चलता है, इसलिए हाथ में फूल अक्षत लीजिए और जहाँ त्रिकोण बनाए वहीं छोड़िए। ओम लक्ष्मीपतिर्मा कर भूमिर्मा कर पात्रे नमो नमः। लोटा वही लोटा के नीचे रख दिए, लोटा को वही रखिए, लोटा को वही रखिए, इधर दीजिए। होता है यज्ञ मतलब जैसे आनी यज्ञ अंधकार से ज्ञान की ओर प्रकाशित किया जाता है, यज्ञ करने मात्र से पूरे चराचर में बहुत से लोगों को लाभ मिलता है। ब्राह्मण से लेकर जितने लोग प्रायः यज्ञ से सटे होते हैं, कहीं न कहीं सभी को लाभ होता है, मानसिक भी, आर्थिक भी, शारीरिक भी, सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। जहाँ जहाँ भी यज्ञ होता है, बहुत सुंदर प्रसंग हमें आज आ गई कहते कहते, भगवान शिव जब गए थे मैया पार्वती के साथ, तो जहाँ 100 साल पहले यज्ञ हुआ उस जगह को भी भगवान शिव ने प्रणाम किया, और जहाँ 10,000 साल बाद यज्ञ होने वाला था उस जगह को भी प्रणाम किया। वो जगह धरती जहाँ यज्ञ होता है वो जगह पवित्र हो जाता है, वो लोग पवित्र हो जाते हैं, वो जगह पूरे पवित्रार्थ पवित्र हो जाता है, माहौल भी भक्तिमय होता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सभी बहुत भाव से जल यात्रा में ग्राम सहयारी पोस्ट बदवारा थाना बेंगाबाद जिला गिरिडीह में बहुत आनंद से सभी लोग जल यात्रा में निकले हैं। हनुमान जी के प्रांगण में यज्ञ होगा और हनुमान जी जिस कोई ऐसे हिंदू का घर नहीं है जहां पूजे नहीं जाते। रामचरितमानस में 66 पात्र में से दो वीर की कथा आती है, एक है रघुवीर और एक है महावीर। जो रघुवीर हैं उनकी चिंता सभी करते हैं, लेकिन जो महावीर है उनकी चिंता खुद राम जी करते हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत ता तुम पाही। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरें। लगातार खबरों को देखने व सुनने के लिए बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय हिंद, सत में जयते हैं।